हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपीज बाय आयुषी में। और आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के कोफ्ते। ये एकदम डिफरेंट सी रेसिपी है, आप घर में इसको जरूर ट्राई करें। किसी किसी को गोभी कभी पसंद नहीं होती है या फिर मन भर जाता है नॉर्मल सब्जी खाने से, तो इस ग्रेवी वाली सब्जी को जरूर ट्राई करें गोभी के। और कभी आपके घर में मेहमान आ जाए या कोई फेस्टिवल हो तो आप उसमें ही बना सकते हैं। ये सबको बहुत ही टेस्टी लगी खाने में। और ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं गोभी के कोफ्ते की सब्जी। सबसे पहले गोभी कोफ्ता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये फूल गोभी। ये मैंने 450 ग्राम ली है और अच्छे से सबको धो लिया है। और ध्यान दें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, अच्छे से धो लें गोभी को। और मैं इस चॉपर में गोभी को एकदम बारीक बारीक कर लूँगी। आप ग्रेटर से भी आप एकदम कस सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा चॉपर से, और बहुत हैंडी रहता है, ईजी रहता है। तो मैं सारी गोभी कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से चॉप हो जाएगी, इसमें एकदम बारीक बारीक हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि ये मैंने कद्दूकस से करी है या फिर इस चॉपर से करी है। ये देखिए एकदम बारीक हो गई है, पता भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे हम ग्रेट करके भी कर सकते हैं कद्दूकस में, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कटने का बहुत डर होता है हाथ वगैरह, तो इसमें बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से हो गई है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, कद्दूकस से भी, किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए सारी गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है चॉपर में। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच नमक, और नमक मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। इतने में ग्रेवी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं रेडी कर लेती हूँ, और ये मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने इसमें नमक डाल के क्यों रखा है। और ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें ये ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट कर लिया है, ये भी मैं चॉपर में एकदम बारीक बारीक काटूँगी। और ये थोड़ा सा अदरक लिया है और 10 से 12 कली ली है लहसुन की, और ये 2 सूखी लाल मिर्च ली है, इनको मैं अलग से ग्रेट करूँगी। और ये मैंने टमाटर लिए 5-4 टमाटर की मैं प्योरी बनाऊँगी और 1 टमाटर मैं नॉर्मल काटूँगी। और इधर मैंने लिया है ये 1/2 कटोरी मटर। मटर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने हरे मटर लिए हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन सबको अच्छे से चॉपर में एकदम फाइन पीस लेती हूँ। आप पेस्ट भी बना सकते हैं ग्राइंडर में, लेकिन इस वाली ग्रेवी वाली सब्जी में जो मज़ा आता है वो थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक होना चाहिए, ना मोटा होना चाहिए प्याज। तो मैं प्याज लहसुन मिर्च को और अदरक को काट के, देखिए ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, तो इतना ही हमें रखना है। और इधर मैं ग्राइंडर में ये टमाटर काट रही हूँ, टमाटर की प्योरी बना लेते हैं। कभी कभी ना नॉर्मल गोभी खा के भी एकदम टेस्ट रहता है कि अरे वो ही नॉर्मल सब्जी खा रहे हैं, तो आप ये वाली कोफ्ते की करी बना के देखिए गोभी की, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और इसमें बनाने में कोई ऐसा झंझट भी नहीं है। ये देखिए तैयार हो चुकी है ये प्योरे टमाटर की। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें सब्जी मसाला। और ये सारे मसाले मैं टमाटर प्यूरे के साथ मिक्स करके रख दूंगी। मसाले थोड़े फूल भी जाएंगे और पकने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप कभी कभी कोई ऐसी करी वाली चीज़ें बनाए ना, तो ऐसे ही भिगो के, या तो पानी में भिगो के रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो और भी अच्छा बनेगा सब्जी। और इधर देखिए ये एक्चुअली गोभी क्या होता है ना, पानी छोड़ देता है ऑलरेडी, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और इसलिए रख दिया था ताकि गोभी का पानी एकदम निकल जाए। और आगे जब मैं इसमें कोफ्ते बनाने के लिए और सब चीज़ें डालूं तो ये इजीली बन जाए, फटे नहीं, क्योंकि अगर तेल में डालेंगे तो गोभी एकदम पानी छोड़ देती है,
तो मैंने पहले ही नमक डाल के रख दिया था ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको हम जो यूज़ करेंगे वो हम ग्रेवी में बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो इस पानी को आप फेंके नहीं, ठीक है। और अब ये देखिए, ये मैंने सारी गोभी निचोड़ ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब कोफ्ते बना रहे हैं तो ये 1.5 चम्मच डालूंगी इसमें मैं धनिया पाउडर। और अब डालूंगी मैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ नमक। नमक का आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ग्रेवी में भी डालना है नमक। 1 कप मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन, पहले मैं थोड़ा सा डालती हूँ, मिक्स करूँगी फिर मैं और डालूँगी। अभी मैं सब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। गोभी के अंदर खुद ऑलरेडी इतना पानी होता है कि वो आराम से बाइंड हो जाएंगे बेसन डालने के बाद। जो एक्सेस पानी है वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो पानी बिल्कुल भी मत डालें, एकदम रनिंग बैटर हो जाएगा ये। अब ये 1/2 बचा हुआ जो बेसन था वो भी मैंने डाल दिया है और अब मैं अच्छे से और मिक्स कर दूँगी। और ये कोफ्ते, आप ग्रेवी भी नहीं बना रहे ना, ये कोफ्ते में थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करके आप पकौड़े के जैसे भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपको दिखाऊँगी। अब ये देखिए रेडी हो चुका है और अब मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं और एकदम गोल गोल बनेंगे आराम से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पचपचे हो जाएंगे, तो इसलिए पानी पहले से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस रेसिपी को जब कभी कोई मेहमान आए ना तब भी आप बना सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं डिफरेंट सा, तो ये एक बहुत डिफरेंट सब्जी है, आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, अब मैं इन कोफ्तों को फ्राई करूँगी। तो मैंने तेल पहले से ही गैस पे चढ़ा दिया था और तेल गरम भी हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे कोफ्ते डालूंगी, गैस कम कर देंगे जब हम कोफ्ते डालेंगे, लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो मीडियम से हाई रखेंगे ताकि कोफ्ते के अंदर बिल्कुल भी तेल ना भरे। तो ये आप टिप ध्यान रखें, कभी भी कोई चीज़ तलें तो प्लीज़ गैस को एकदम तेज रखें, या फिर अगर ज़्यादा तेज़ तेल हो जाए तो मीडियम रखें, स्लो कभी मत रखें, नहीं तो कोई भी चीज़ बनाएंगे ना फ्राई करने वाली उसमें सब में तेल ही भर जाएगा। तो हमें हल्के से गोल्डन ब्राउन करने हैं और मीडियम टू हाई इसलिए बोला है, मीडियम भी आप करते रहें, तेज करेंगे तो जल भी सकते हैं, धीरे धीरे अंदर से भी पकते रहें। तो ये देखिए ये आराम से तल चुके हैं और कलर ऐसे ही रखना है, और मैं इसलिए चाह रही हूँ ताकि जो एक्सेस तेल है वो गिर जाएगा। और तेल देखिए एकदम नहीं टपक रहा है, तो कुछ भी तेल कोफ्ते के अंदर नहीं भरा है। देखिए ये एकदम अच्छे से पक चुके हैं, कोफ्ते एकदम रेडी हैं, अंदर कोई भी तेल नहीं भरा है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल एक कढ़ाई में। उसमें मैं डालूंगी ये 2 से 3 छोटी छोटी दालचीनी की डंडियाँ, और ये तेज़पत्ता 2 से 3, और ये 1 चम्मच जीरा। तेल गर्म हो चुका है, अभी सारी चीज़ मैं इसमें डाल देती हूँ तेल में। और जो मैंने ये सारा पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन मिर्च और प्याज का, वो अब मैं तेल में डालूंगी। और अभी हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है ताकि ब्राउन हो जाए। अगर ये अच्छे से नहीं भुनेगा ना तो जो कसकसापन होता है ना लहसुन का अदरक का और प्याज का मीठा मीठा सा, वो आएगा बाद में। तो इसलिए ये ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए साइड से तेल छूटने लगा है, तो प्याज भी अच्छे से ये भुन चुके हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा सब्जी में। और अब हम इसको भी अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और अब मैं डालूंगी इसमें जो मैंने टमाटर और मसाले मिक्स करके रखे थे वो अब डालेंगे।
और जो ये पानी था जो बचा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें नमक ऑलरेडी पड़ा है तो मैं एक्सेस नमक नहीं डाल रही हूँ। आप एक बार टेस्ट करके देख लें तो कम लगे आप फिर डाल सकते हैं, और साथ में ही मैं मटर डाल रही हूँ तो ताकि पक जाए, क्योंकि अभी ये जो मसाला है पूरा अच्छे से भुनेगा जब तक साइड से तेल ना छूटने लगे, तो मटर भी साथ साथ में भुन जाएंगी। तो मैं ढक के पका रही हूँ क्योंकि ये तिड़केगा, और गैस मीडियम रखनी है, और ज़्यादा हो जाए तो स्लो कर लेना है। तो मसाला देखिए अच्छे से कितने से अच्छे से भुन रहा है और साइड से तेल भी छूटने लगा है। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें 2 चम्मच दही। दही से एक अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा और एक खटास भी आएगी। थोड़ा सा पानी, आप पानी अपने हिसाब से रखते हैं आप रखना, अगर आपको ज़्यादा एकदम पतला चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो आप कम पानी डालिए। पानी देखिए अच्छे से पक चुका है, और अब मैं डाल रही हूँ उसमें एक कोफ्ते जो मैंने अभी फ्राई करे थे। कोफ्ते डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक ही पकाऊंगी मीडियम गैस पे, ज़्यादा नहीं पकाना है। और साथ में मैं डाल दूंगी ये टमाटर जो मैंने एक टमाटर काटा था स्क्वायर शेप में, और 3 से 4 हरी मिर्च। देखना ये सब्जी आप चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। अब गैस बंद कर दीजिए, कोफ्ता करी एकदम रेडी है। तो ये है गर्मा गर्म गोभी कोफ्ता करी रेडी। तो घर पे बनाइए और सबको खिलाइए।